तीन जादुई बहुओं की एक सास। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा था कि मुझे वो एक बेटी दे, लेकिन आज उसने बहू के रूप में मुझे एक नहीं बल्कि तीन तीन बेटियां दे दी। तुम तीनों इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। हम तुम्हारे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं है। तुम्हें यहाँ सारे ऐशो आराम शायद ना मिले, लेकिन तुम्हें यहाँ कभी प्यार की कमी नहीं होगी। माँ जी, आपने हमें इतनी बड़ी बात बोल दी, यही हमारे लिए काफी है। हमें बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मिष्टी, सौंदर्य और पंक्ति तीनों बहुएं खड़ी शादी के जोड़े में अपनी सास कलावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। कलावती के तीनों बेटे अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण की इन तीनों से आज शादी हुई होती है। सौंदर्य, पंक्ति और मिष्टी तीनों एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की बेटियां होती हैं। लेकिन अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण तीनों ही गरीब होते हैं। दरअसल ये लोग एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां इन तीनों भाइयों को इन तीनों बहनों से प्यार हो गया था। आज हमारी पहली रसोई है, चलो अपनी पहली रसोई की तैयारी करते हैं। सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति जैसे ही चूल्हे के पास जाकर खाने के डब्बे देखती हैं, तो सारा का सारा राशन खत्म हुआ होता है और सारे डब्बे खाली होते हैं। जिसे देखकर, ये क्या, घर में तो राशन ही नहीं है, और बिना राशन के हम लोग अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाएंगे? अरे तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है, तुम भूल गई कि हमारे पास क्या है। पंक्ति के इतना बोलते ही सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति तीनों ही जादू करती हैं और उनके हाथों से सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके चलते सारे रखे हुए राशन के खाली डब्बे राशन से भर जाते हैं। चलो अब राशन तो भर गया, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हैं। इतना बोलकर तीनों बहुएं जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना बनाती हैं और ले जाकर सबको परोसती हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर कलावती और उसके तीनों बेटे हैरान हो जाते हैं। बहू, घर में तो राशन कब का खत्म हो गया था, तो तुम तीनों ने ये खाना कैसे बनाया, वो भी इतना सारा? और हमने तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए थे, तो ये सब कैसे? जब हम सुबह चूल्हे के पास गए तो सारा राशन खत्म हो गया था, इसलिए हमने बाहर से राशन मंगवा लिया था। हमारे पास पैसे थे। लेकिन बहू, तुमने राशन क्यों मंगवाया, ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि हम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। अब बेटियां अपने परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी? इतना बोलकर सौंदर्य बात को संभाल लेती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तीनों बहुएं अपने जादू से घर के सारे काम झटपट कर लेती और घर में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो तीनों अपने जादू से उस चीज को ले आती, चाहे वो राशन हो, कपड़े हो या कोई भी सामान। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, पंक्ति, सौंदर्य, दिवाली आने वाली है, चलो मिलकर दिवाली की सफाई करते हैं। माँ जी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले ही हम सारी सफाई कर देते हैं, माँ जी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हमें सफाई करने की क्या जरूरत है, हमारा जादू है ना, हम अपने जादू से उसके बाद दिवाली का सामान भी ले आएंगे। इस बार माँ जी और हमारे पति खुशियों भरी दिवाली मनाएंगे। इतना बोलकर तीनों बहुएं अपने जादू से घर की सफाई करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी सास कलावती आ जाती है। कलावती जैसे ही अपने घर के दरवाजे आती है तो देखती है कि झाड़ू अपने आप सफाई कर रही है और पोछा अपने आप पोछा लगा रहा है और उसकी तीनों बहुएं जादू करके घर में दिवाली का सारा सामान ला रही हैं। ये सब देखकर कलावती बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, कौन हो तुम तीनों? तुम तीनों कोई जादूगरनी हो ना, या कोई चुड़ैल डायन? कौन हो तुम तीनों? आप गलत समझ रही हैं माँ जी, हम कोई चुड़ैल डायन या जादूगरनी नहीं है, हम तो इंसान है। तुम तीनों कोई इंसान नहीं हो सकती, इंसान जादू कैसे कर सकता है? सच सच बताओ, कौन हो तुम तीनों, या मैं तांत्रिक बाबा को बुलाऊं? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपको सारी सच्चाई बताते हैं। मिष्टी, पंक्ति, अब माँ जी को सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। इतना बोलकर सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति अपने साथ कलावती को इन सभी के पीछे की कहानी बताने लगती हैं। प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस थोड़ी देर और अंजना, हम सब अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। अंजना गर्भवती होती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते गिरधर अंजना को जल्दी से अस्पताल लेकर जा रहा होता है।
लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी चलाने की वजह से गिरधर एक बूढ़ी अम्मा को गाड़ी से ठोकर मार देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? जल्दी से उनकी मदद करिए। अंजना के इतना बोलते ही गिरधर जल्दी से गाड़ी से उतरता है और उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां एक तरफ वो बूढ़ी अम्मा का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंजना की डिलीवरी हो रही होती है। अंजना थोड़ी देर में अपनी तीनों बेटियों को जन्म देती है। वहीं वो बूढ़ी अम्मा भी अब ठीक हो जाती हैं। अंजना देखो, हमारी तीनों बेटियां, ये तीनों तो तुम पर गई हैं। इनकी नाक, इनके होंठ, इनकी आंख बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं अपनी तीनों बेटियों को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालूंगा, इन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भगवान ने हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लक्ष्मी दी हैं। आज भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। सुनिए जी, उन बूढ़ी अम्मा का क्या हुआ जिनका हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था? क्या अब वो ठीक हैं? ये तो मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से उनके बारे में पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर गिरधर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा गिरधर के पीछे ही खड़ी है। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपको तो काफी सारी चोट लगी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो भी मैं ठीक ही रहती, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन कैसे अम्मा? अंजना के इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती हैं, जिसे देखकर अंजना और गिरधर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि परी लोक की एक परी हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है। मैं धरती लोक पर घूमने के लिए आई थी, इसलिए मैंने एक बूढ़ी औरत का इंसानी रूप लिया था। तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन तुमने मुझ घायल की भी मदद की और मुझे अस्पताल लेकर आए। तुम चाहते तो मुझे वहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इस दरिया दिली से ये साबित होता है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है। इसलिए आज मैं तुम्हारी इन तीनों बेटियों को एक वरदान देना चाहती हूँ, और वो वरदान ये है कि इन तीनों के पास आज से जादुई शक्तियाँ होंगी, और ये तीनों जादुई शक्ति से हर किसी की मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों बच्चियों पर जादू करती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वो तीनों बच्चों के पास जादुई शक्ति होती है। बड़े होने के साथ साथ उन तीनों को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से वो हर किसी की मदद करती हैं। गरीबों को खाना देकर, प्यासे को पानी पिलाकर और लाचार की मदद करके सौंदर्य, मिष्टि और पंक्ति ये सारी बात अपनी सास को बता देती हैं, जिसे सुनकर तुम तीनों तो सच में लक्ष्मी हो, मैंने तुम तीनों को गलत समझा, मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं अब दोबारा से जादू करती हैं और देखते ही देखते उनका छोटा सा घर एक बड़े से महल जैसे घर के रूप में बदल जाता है, और वो तीनों अब अपने जादू से अपने पतियों का नया बिजनेस भी खुलवा देती हैं, जिसके बाद अब तीनों बहुएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और आज भी वो हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती हैं। संध्या भरी गर्मी में कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी पांचों ननंद कॉलेज से घर आती हैं। अरे सिमरन, पायल, टीना, चंचल, कोमल, आ गई मेरी प्यारी ननंद। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। संध्या भाभी, प्लीज हम पांचों को पानी पिला दीजिए। हाँ, बस अभी लाती हूँ। संध्या बहु, मेरे लिए भी एक गिलास सत्तू बनाकर लेती आना, बड़ी गर्मी है। जी, अच्छा माँ जी। संध्या कपड़े सिलना छोड़कर आंगन में गड़े हैंडपंप से अपनी पांचों ननंद को पानी लाकर देती है। तभी चंचल चिढ़कर कहती है, ये पानी तो थोड़ा सा भी ठंडा नहीं, एक तो ये सड़ी हुई गर्मी, ऊपर से खौलता हुआ पानी, क्या बुरी जिंदगी है। चंचल, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी लाती हूँ। रहने तो भाभी, फिर से पानी लाने से वो फ्रिज का ठंडा पानी तो नहीं बन जाएगा। बचपन से ये गरीबी झेलते झेलते हम पांचों बहनें इतनी बड़ी हो गई, मगर आज भी हमारे घर में एसी तो बहुत दूर की बात है, एक पंखा भी नहीं है। पता नहीं संतोष भैया क्या कमाते धमाते हैं। अरे तुम्हारा भाई तुम पांचों का पेट भर रहा है, ये क्या कम है?
तुम्हें क्या पता तुम्हारा गरीब भाई इतनी धूप भरी गर्मी में किस तरह से दो वक्त की रोटी कमा कर लाता है। अब जाने भी दीजिए ना माँ जी। ओहो मेरी प्यारी ननंद, तुम भी ऐसे मुंह मत लटकाओ। ये देखो तुम्हारी दर्जी भाभी ने अपनी सुंदर सुंदर ननंद के लिए क्या सिला है, गाउन कैसा लगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी का सिला गाउन देख कर वो पांचों खुश हो जाती है। वाओ भाभी, दिस इज ब्यूटीफुल। लिटरली भाभी, आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए था, फिर आपको तो सिले हुए कपड़े आग लगा देते भाभी। मेरी पांचों ननंद को अपनी गरीब दर्जी भाभी के सिले कपड़े पसंद आए, मैं तो इसी में खुश हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि मुझे इन सभी ब्लाउज की तुरपाई करके इन्हें देने जाना है। संध्या जल्दी से सारे ब्लाउज की तुरपाई कर देती है और सत्तू बनाकर एक बोतल में भर कर घर से निकल जाती है, जहाँ थोड़ी दूरी पर एक फुटपाथ के पास एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ी औरत घास से बने पत्तों की चादर बेचती दिखती है। ले लो पत्तों की सुंदर चादर, ले लो एकदम सस्ती चादर। कैसी हो अम्मा? ये लो मैं आपके लिए ठंडा ठंडा सत्तू बनाकर लाई हूँ। शुक्रिया बेटी। वैसे अम्मा एक बात पूछूं, आप इतनी धूप भरी गर्मी में इस दोपहर में यहाँ कैसे बैठती हैं? क्या करूं बेटिया, ये पापी पेट जो कर आए है, ये घास के पत्तों की चादर बेचकर ही तो मैं गरीब बुढ़िया कमाती खाती हूँ। वो बुढ़िया गरीब संध्या की कुछ भी नहीं लगती थी, मगर संध्या अक्सर उसके लिए कभी अपने घर से रोटी तो कभी सत्तू बांध कर उसे देते हुए ही बाजार जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, जिसके साथ गर्मी की मार गरीब संध्या की टीन की झोपड़ी पर टूट पड़ती है और उसका घर गर्मी के चलते भपके से भर जाता है। बाप रे, आज तो एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी है। हाँ सिमरन, आज तो इस गर्मी ने हद ही कर दी है। काश कि इस वक्त हम भी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा पाते और फ्रिज का मस्त चिल्ड पानी पी पाते, या फिर काश कि कोई बर्फ की चादर मिल जाती तो मैं उसे ओढ़कर मस्त नींद मारती। अबे ओ टीना, तेरे ऊपर का माला खिसक गया है क्या? बर्फ की चादर क्या ऊपर से पापा भेजेंगे? हम पांचों की जिंदगी भर यही सड़ी हुई गर्मी झेलनी है और इस गर्मी ने तो कसम खा रखी है कि हमें चैन से जीने नहीं देगी। गर्मी के चलते अपनी पांचों ननंद को बेहाल परेशान होता देख कर संध्या को बहुत बुरा लगता है, मगर दिन रात दर्जी के काम में मेहनत से कपड़े सिलकर भी वो इतना नहीं कमा पाती कि अपनी पांचों ननंद की फ्रिज और पंखा एसी जैसी महंगी फरमाइश को पूरा कर सके। फिर एक दिन जब वो सिले हुए कपड़े देने जा रही होती है कि तभी फुटपाथ पर बैठी बुढ़िया खांस रही होती है। अम्मा आज आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, फिर आज आप चादर बेचने क्यों आई हैं? आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। बुढ़िया, मेरे पास बस ये पांच ही पत्तों की चादर बची है, तुम इसे खरीद लो, इसकी घास बहुत नरम है, इसे अपनी गाय को खिला देना। मगर अम्मा मेरे पास गाय नहीं है। तो फिर अपने लिए ले लो, वैसे भी आज मैं आखिरी बार इस फुटपाथ पर ये चादर बेच रही हूँ, ये चादर खरीद लो और बस मुझे बदले में इतना दे दो ताकि मैं दो दिन तक दो वक्त की रोटी खा सकूं। गरीब दर्जी संध्या को बुढ़िया पर दया आ जाती है और वो घास और पत्तों की वो सारी चादर खरीद लेती है। अम्मा ये पैसे आप रख लो, ये पत्तों की चादर मैंने ले ली, मगर ये मेरे किस काम की है? मुझे गरीब बुढ़िया की बनाई ये पत्तों की चादर तुम्हारे कितने काम की है ये तुम अपने घर जाकर देखोगी बेटी, बस इसे ले जाकर किसी भी सिले कपड़े पर रख देना। क्यों अम्मा, ऐसा भी क्या होगा? अगर मैं सब कुछ यही बता दूंगी तो घर पर क्या देखोगी? संध्या वो पत्तों की चादर लेकर घर आ जाती है। अरे भाभी, ये पत्तों की चादर कहाँ से ले आई हो? पायल, ये पत्तों की चादर मैंने एक बूढ़ी अम्मा से खरीदी, वो बहुत गरीब थी। हम भी तो गरीब हैं। भाभी किसने कहा था आपको ऐसे पैसे फूंक कर ये पत्तों की चादर खरीदने को? फिर संध्या उन पत्तों की चादर को अपनी पांचों ननंद के सिले हुए कपड़ों पर रखती है, तभी चादर के अंदर से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकलती है और उन पांचों के कपड़े हरे रंग के हो जाते हैं, जिस वजह से पांचों ननंद अपनी दर्जी भाभी को देखती रह जाती हैं। ओ तेरी, ये कैसी जादुई पत्तों की चादर है, इसको कपड़ों पर रखते ही हमारे नीली रंग के कपड़े हरे रंग के हो गए। फिर कोमल जैसे ही अपने कपड़ों को छूती है तो वो बर्फ जितना ठंडा होता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, पहले इस पत्तों की चादर के रखने पर हमारे कपड़े हरे रंग के हो गए और अब ये बर्फ जितनी चिल्ड है। एक काम करो, तुम पांचों ये कपड़े पहनकर आओ। संध्या के कहने पर पांचों ननंद कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। संध्या भाभी, ये पत्तों की चादर तो जादुई है, हमारे कपड़ों के अंदर से एसी जैसी ठंडक आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है।
अरे संध्या बहू, फिर तो इस जादुई पत्तों की चादर से हम गरीब की झोपड़ी की टीन की छत का भी कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? हाँ माजी, हो सकता है। मैं इनमें से एक जादुई पत्तों की चादर को अपने घर की छत पर डाल देती हूँ। मगर ये चादर छत के लिए छोटी नहीं रहेगी भाभी। तुम भूल रही हो मेरी प्यारी ननंद, ये जादुई पत्तों की चादर है। जब ये गर्मी में ठंडक दे सकती है तो फिर ये चादर बड़ी भी हो सकती है। ये जादुई पत्तों की चादर बड़ी हो जा। उस गरीब दर्जी भाभी के कहते ही एक चादर से फिर से वैसे ही सुनहरी रोशनी चमकती है और वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। इसके बाद ननंद भाभी मिलकर अपनी झोपड़ी की टीन वाली टूटी फूटी छत पर उसे लगा देते हैं। इसके बाद गरीब ननंद भाभी के घर की गर्मी और भपका ठंडक में बदल जाता है। क्या बात है, इस जादुई पत्तों की चादर ने तो एसी को भी फेल कर दिया। हाँ पायल, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी दर्जी भाभी के कारण ही हो सका है। हम तो अभी भी गर्मी में आलू और अंडे की तरह उबल रहे होते। पायल की इस बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। जादुई पत्तों की चादर के आ जाने से गरीब दर्जी संध्या के घर की खुशियां लौट आती हैं। वहीं धीरे धीरे लोगों को भी ये पता चलता है, जिसके बाद उस गरीब दर्जी भाभी के घर ठंडक के चलते कपड़े सिलवाने वालों की लोगों की भीड़ लगी होती है। उस गरीब दर्जी भाभी के घर ठंडक के चलते कपड़े सिलवाने वाले लोगों की भीड़ लगने लगती है। अरे कहने वाले ने एकदम ठीक ही कहा था, एक गरीब के घर में इतनी ठंडक है। अच्छा सुनो संध्या, मुझे ना ये 4 ब्लाउज और 8 सूट सिलवाने हैं, मगर इसे पहनकर ठंडक तो मिलेगी ना? हाँ सोना, बिल्कुल। इस दर्जी के सिले कपड़े में तुम्हें गर्मी के मौसम में भी दिल्ली जैसी सर्दी मिलेगी। अब ये गरीब दर्जी भाभी लोगों के लिए ऑर्डर को सिलने में लगी रहती है, जिसमें उसकी पांचों ननंद भी उसकी पूरी मदद करती हैं। सारे कपड़े सिल गए हैं, अब बस इसे इस जादुई पत्तों की चादर की मदद चाहिए होगी। फिर संध्या सारे सिले हुए कपड़ों को जादुई पत्तों की चादर पर रख कर कहती है, ये जादुई पत्तों की चादर, मैं चाहती हूँ इनमें से किसी भी कपड़ों का रंग ना बदले, बस इसमें अपनी ठंडक भर दो। ऐसा कहते ही उन पत्तों की चादर से एक सुनहरी रोशनी चमकते हुए कपड़ों में समा जाती है और वो बर्फ जितने ठंडे हो जाते हैं। जिसके बाद बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग संध्या के कपड़े सिलवाते हैं, जिससे गरीब दर्जी संध्या के घर के हालात बहुत ही जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं।